मेरे प्यारे क्रिकेट वासियों, ऑल द वे फ्रॉम बठिंडा टू बहावलपुर, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट फैंस, इंडिया और आयरलैंड का मैच तो आपने देख लिया होगा, इजी विन फॉर इंडिया। मगर जानेमंस प्रॉब्लम पता है क्या है? ये वो पिच है जहां पर पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना है, और ये जो पिच है ये पाकिस्तान और इंडिया के मैच वाली पिच नहीं है। मतलब इस पिच पे बड़ा सिंपल सा है, टॉस जीतो, अगलों को पहले बैटिंग करा दो, फ्रेश पिच, नया बॉल, उसके बाद फिर नागे डांस देखो अगली टीम का। आपने आज देखा कि आयरलैंड के टाइम पर जब आयरलैंड पहले बैटिंग कर रही थी, टॉस रोहित शर्मा ने जीता, उन्होंने कहा लगो आगे, मतलब चलो गुरु शुरू हो जाओ, तो वो फिर उनको तो अर्शदीप नहीं छोड़ रहा था। वो अर्श, आप अंदाज़ा करें, अर्शदीप के पहले दो ओवर नेक्स्ट लेवल, और तीसरे ओवर में उस बेचारे से, हालांकि दो ओवर अच्छे करा दिए हुए हैं, उससे बॉल नहीं कंट्रोल हो रहा था। अच्छा, उसका ऑड बाउंस इतना ज़बरदस्त उसी पिच पे, तीसरे ओवर में जनाब एक गेंद वो मिडल और लेग के ऊपर इन स्विंग मारने की कोशिश करता है, बॉल पड़ता है जुड़ करके, वो जोमाटो के राइडर की तरह, फूड पांडा के राइडर की तरह, वो गया बाउंड्री लाइन की तरफ। हैं, इतनी तेज वो नहीं जाते वैसे वो फूड पांडा या जोमेटो के राइडर्स, बॉल गया जूम करके। अच्छा, उसके बाद उसने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप एक बॉल किया जनाब, और बॉल जो है ना, उसने कहा मैं बाउंस नहीं लूंगा, मैं सांप बनूंगा, वो रिंगता हुआ गया, लिटरली रिंगता हुआ गया, ऐसी अजीब गरीब किस्म की पिच है वो। तो ऋषभ पंत का भला हो, उसने पहला चौका, उसने कहा यार पहला तो नहीं रोक सका भैया, हमारी रेंज से ही दूर था, औकात से बाहर टाइप, तो ये दूसरे वाला रोक लेता हूँ, घुटने पे लगे जो मर्जी हो, लेकिन ये कम अज कम रोक लेता हूँ, वो उस बेचारे ने रोक लिया। ये ऐसी पिच है। इस पिच के ऊपर भाई साहब, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि जो टीम टॉस जीतेगी आधे से ज़्यादा मैच वो जीत गई है, क्योंकि उनको पागल के बच्चे नहीं है, वो पहले बैटिंग करेंगे इस पिच के ऊपर, ये न्यूयॉर्क वाली पिच के ऊपर। और आईसीसी को साथ सलाम है, मैं तो सिर्फ अच्छी बात कर रहा हूँ, आईसीसी को साथ सलाम है। सर आप ना इंडियन मीडिया के ऊपर जाकर जो स्पोर्ट्स शो हो रहे हैं ना, उनको देखें ज़रा, उन्होंने ना यकीन करें इतनी सफाई सुथराई से, माहिर कसाई जो है ना गोश्त नहीं करता, जिस तरीके से वो आईसीसी के चीथड़े उड़ा रहे हैं कि ये तुम लोग T20 वर्ल्ड कप करा रहे हो, ये पिचेज हैं फलाना टिमकाना। ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, ये कोई पिच है T20 वाली? ये कोई पिच है? मैं तो उन लोगों पर हैरान हूँ, कहते हैं इक्वल मौका है, इक्वल मौका है बैट एंड बॉल के लिए। ये सुनना जरा, आयरलैंड को पहले बैटिंग कराई सर बलबीर ने, अर्शदीप, ये तो बल्कि वो पहले तो पॉल स्टर्लिंग आउट हुआ ना, पॉल स्टर्लिंग पुल मारने गया अर्शदीप को, ऊपर गया टॉप एंड लगा उनका ऊपर, उसने कैच पकड़ लिया अपना पंट ने, वो ओवर द हेड टाइप जो कैच आता है, अच्छा कैच पकड़ा उसने। बलबीरनी साहब स्ट्रेट विकेट में आती हुई गेंद को थर्ड मैन की तरफ कट कर रहे हैं, मैं तो उसका शॉट देखकर हैरान था, मैं कहा यार बड़ा शॉट मारे यार, और विकेटों में आती हुई बॉल को कौन थर्ड मैन की तरफ कट करता है भाई, वो जो आप टेढ़ा सा बैठ करके तिरछा सा दिखाने की कोशिश नहीं करते थर्ड मैन की तरफ, वो और विकेटों में आती हुई बॉल है, ये हालात थे। उसने कहा थर्ड मैन आ गया, फाइनल आ गया, कुछ इस तरह का करता हूँ, अब इतना भी नहीं होता भाई। अच्छा खैर, दो ये फुड़के, उसके बाद सुने टक्कर, उसको टक्कर को जनाब पांड्या बोल्ड, टक्कर को मारा इन कटर, पांड्या को पहले दो तीन गेंदें करने के बाद पता लग गया ये वो पिच ही नहीं है जिस पर पीछे गेंद करनी है, वरना वो नॉर्मली पीछे करता है गेंद। उसने कहा आगे करो भाई, टक्कर को उसने आगे गेंद की पढ़कर अंदर आई, टक्कर साहब का बैट मशरक में, बॉडी मगरब में, बीच में जनाब पूरे के पूरे जिसे कहते हैं कॉन्टिनेंट्स जितना गैप, घुस गया पांड्या उसकी विकेटों में। अच्छा, उसके बाद ट्रैक्टर, वो उसको बुमराह ने कैच कर उसको मारा, बुमराह ने जिसे कहते हैं शॉर्ट बॉल, उसको समझ ही नहीं आई, वो एज जुआ कोहली ने कहा थैंक यू। अच्छा, टक्कर ने किए 10, ट्रैक्टर ने किए 4। उसके बाद कैम्फर, उसका उसको जनाब कॉट बिहाइंड करा दिया पांड्या ने, फुलर लेंथ गेंद वो मारने गया ड्राइव 12 के ऊपर, वो कॉट बिहाइंड ठीक हो गया। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी हो रही है बैट और बॉल के बीच में, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, डॉकरेल उसने 3 किए, सिराज ने उसको बुमराह के हाथों कैच करा दिया। अच्छा, ये ठीक कह रहा था डेलेनी, इसने 26 किए 14 गेंदों के ऊपर, 2 चौके 2 छक्के, लेकिन इसने सारी हिट्स आखिर में मारी हैं, स्पेशली अर्शदीप को इसने आखिरी ओवर में कूटा, लेकिन रन आउट हो गया, गलती की ना, लास्ट विकेट इसी की गिरी है। इसने बेवकूफ़ी ये की कि भाई फ्री हिट है, तूने शॉट मारी है, बस सिंगल ले ले ठीक है, वो डबल लेने के चक्कर में थे, फील्डर हाथ में है, उसके बॉक्स गेंद है, तू वहाँ पर डबल लेने के चक्करों में आया, ऐसी कौन सी अंत पड़ी हुई थी भाई, अभी तो जिसे कहते हैं कि 4 ओवर्स पड़े हुए थे, इनको पता नहीं किस चीज़ की जल्दी थी, ये इसने अपनी विकेट खुद दी है। हालांकि ये एंड इसने जिसे कहते हैं ना लास्ट ओवर्स में, ये जो 14, 15, 16 इन ओवर्स में इसने कुछ थोड़ा बहुत बाजू शाजू खुलने शुरू कर दिए थे, ये बाउंड्रीज इसकी मैक्सिमम उसी टाइम पर आई हैं, लेकिन नहीं,
भाई साहब ने सिराज को, उसको लगा सिराज क्या क्या ही थ्रो कर लेगा, उसने थ्रो मारी सीधा ऋषभ पंत के हाथ में, ये दोनों एक ही एंड पे खड़े थे। अच्छा अडेर उसको जनाब पांड्या ने दुबे के हाथों कैच आउट करा दिया, मैकार्थी वो जीरो पर गया, उसका अक्षर पटेल ने कॉटन बॉल किया, ब्रिलियंट कॉटन बॉल, ब्रिलियंट, बहुत बहुत ज़बरदस्त वो पटेल ने ना बहुत ज़बरदस्त कॉटन बॉल किया, नो डाउट वो लाइक मतलब उसने शॉट खेला है, पटेल ने बॉल की है, फिर बैट रनर की तरफ गया, रनर के परली तरफ कैच था, तो ये आप चेक करेंगे इसने कितना डिस्टेंस कवर करके उसने बड़ा, उसने बहुत ज़बरदस्त कैच पकड़ा। अच्छा ये जॉश लिटल इसको पढ़ा, बुमराह यॉर्कर विद लव फ्रॉम बुमराह, वो बेस्ट बॉल ऑफ द टूर्नामेंट उसको कमेंटेटर कह रहे थे, वो ऑब्वियसली बात है यार वो परफेक्ट 100 आउट ऑफ 100 या 100 बटा 100 10 बटा 10 टाइप यॉर्कर था, वो कहाँ से बेचारा खेलता, 14 रन उसने किए। और बैन वाइट वो नॉट आउट रहा दो के ऊपर, ये बैन वाइट ही था ना डेनली के साथ, भी रन आउट हो गए वरना कम अज़ कम ये 100 शायद क्रॉस कर जाते, 96 पे फड़ोक हो गए जी आयरलैंड वाले। अच्छा उसके बाद अर्शदीप सिंह बॉलिंग सुने, 4 ओवरों में 35 रन 2 विकेट्स 8.75 की इकोनॉमी, ये 4 ओवरों में नहीं इसको पड़े, ये 10 बॉलों पर पड़े हैं, 14 तो इसकी डॉट बॉल्स हैं, ये 10 रन 10 बॉल्स पे ये 35 रन खा गया। मैं आपको बता रहा हूँ इसने पहले दो ओवर बहुत नेक्स्ट लेवल के कराए हैं, आखिरी दो ओवर इससे ठीक नहीं हुए अर्शदीप से, और चौथे ओवर में तो उसको ठीक ठाक कुट पड़ी है, तो ये भाई साहब 14 गेंदें डॉट की हैं इसने। अच्छा सिराज 3 ओवर 13 रन 1 विकेट 4.3 ओवर, सिराज को जनाब 14 डॉट बॉल्स, 4 गेंदों के ऊपर 13 रन पड़े हैं सिराज को। जसप्रीत बुमराह 3 ओवर्स 1 मैडन 6 रन 2 विकेट्स 2 की इकोनॉमी, इसकी 13 डॉट बॉल्स हैं। अच्छा पांड्या 4 ओवर 1 मैडन 27 रन 3 विकेट 6.75 की इकोनॉमी, 14 डॉट बॉल्स इसकी हैं। अक्षर पटेल 1 ओवर में 3 रन 1 विकेट, उसके बाद जडेजा 1 ओवर में 7 रन, 96 करना था जनाब अपना जिसे कहते हैं इनो यार लो 96 करना था 97 करना था टीम इंडिया ने, उसमें जनाब शर्मा जी का लौंडा टॉप पे 50 मारी है 52-37 बॉल्स के ऊपर रिटायर्ड हट हुए। आई होप के कुछ ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगा, 4 चौके लगाए 3 छक्के 140 का स्ट्राइक रेट। आयरलैंड में ना आयरलैंड की बॉलिंग जब आई है अडेर ने रोहित शर्मा को प्रॉब्लम क्रिएट की है शुरू में, लेकिन शर्मा जी के लौंडे का दिन था, कुछ बॉलें विकेट के आसपास से निकल गई, वरना सेकेंड इनिंग में रिलेटिवली इस विकेट के ऊपर बैटिंग थोड़ी सी इजी है, मतलब इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर बताऊं कि इतनी आसान भी नहीं है, रिलेटिवली आसान है, बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि रोहित शर्मा के भी कई बॉल एज हुए हैं, मिडल ऑफ द बैट नहीं लगे, हालांकि रोहित शर्मा ठीक खेल रहा था। विराट कोहली 1 रन किया, अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें, अडेर की बॉल के ऊपर ही डीप थर्ड मैन पे कैच आउट हुआ विराट कोहली, उन्होंने वाइट ने कैच लिया, ऋषभ पंत ने 36 किए 26 बॉल्स के ऊपर, 3 चौके 2 छक्के 138 का स्ट्राइक रेट। वो अपना यादव उसका वो नहीं चला, 2 रन किए 4 बॉल के ऊपर, दुबे वो आया लेकिन उस टाइम पर कुछ नहीं हो सकता था, 97 for 2 8 विकेटों से इंडिया जनाब मैच मार के उधर। बॉलिंग की बात की जाए इसके आयरलैंड के अडेयर 4 ओवर 27 रन 1 विकेट, इसने बहुत ज़बरदस्त, इसका ओपनिंग स्पेल तो बहुत ज़बरदस्त था अडेयर का, खैर इसने ओवरऑल ही बड़ी अच्छी बॉलिंग किया, लेकिन ओपनिंग स्पेल देखने से ताल्लुक रखता था, इसकी किस्मत ख़राब थी। मैं आपको बता रहा हूँ इसने ठीक ठाक तंग किया था रोहित शर्मा को, कुछ बॉल्स इसके रोहित कैसे बचा बस वो किस्मत, ऑनेस्टली एक बॉल तो लेग स्टंप को समझें बस हल्की सी चुम्मी करा के गई है, लेकिन इतना बड़ा बोसा नहीं दिया कि गेल्स गिर जाती, इससे अंदाज़ा लगा लो। अच्छा जॉश लिटल 4 ओवर्स 40, अबे मतलब कि वो लगी नहीं गेंद को, अब ये ना समझ लेना कि लेग स्टंप को लगी थी, मतलब हल्की सी साइड से निकल गई, बताना पड़ता है यार तुम लोगों को, नहीं पता कुछ लोग होते हैं उनको मेरी आधी अधूरी बात समझ नहीं आती, वो अपनी तरफ से फिलासफरियाँ मार देते हैं, तो मैंने कहा पहले ही बता दूँ लगी नहीं थी स्टंप्स को। अच्छा उसके बाद लिटल 4 ओवर्स 42 रन, इसको थोड़ी कुट पड़ी है 10.50 के इकोनॉमी से, वेवर्ड बहुत था यार, इसको समझ ही नहीं आ रही थी, मैंने इतनी शानदार किस्म की पिच के ऊपर जो तुम ही लोगों के लिए बनी है बॉलर्स के लिए, बैटर्स का तो इसके ऊपर कोई काम नहीं है, वो क्या ही उसको किस तरह बॉलिंग करनी है। मैकार्थी 2.2 ओवर्स 18 रन, कैम्फर 1 ओवर में 4 रन, वाइट 1 ओवर में 6 रन 1 विकेट, ये सर टोटल वो है आज के मैच का नक्शा, इंडिया 8 विकेटों से जीत गया है, 46 बॉल्स रिमेनिंग थे। मेरे नज़दीक ना यार आई डोंट लाइक द पिच पीरियड, मुझे ये पिच बिल्कुल पसंद नहीं आई, ये जो पिच है ना ये बाकी दुनिया खेले फिर इसके ऊपर, पाकिस्तान इंडिया का मैच इस पिच पे नहीं होना चाहिए था यार, वो जो चीख रहे हैं ना इंडियन मीडिया वाले और ये वो सारा कुछ, वो अब समझ में आता है यार ये तो
वो तो रोल है। अब मैं क्योंकि मैं टॉस के बारे में कुछ कह नहीं सकता, जो टीम पाकिस्तान इंडिया में से टॉस जीती ना सर आधे से ज़्यादा मैच वो ले जाएंगे। सॉरी टू से इसमें पाकिस्तान भी हो सकता है, इसमें इंडिया भी हो सकता है। पाकिस्तान को थोड़ा सा एज गया है कि पाकिस्तान की बॉलिंग इंडियन बॉलिंग की नस्बत ज़्यादा एक्सपीरियंसड है। बस बुमराह है, लेकिन सिराज और अर्शदीप का ऑब्वियसली वो लेवल नहीं है जो इधर से आमिर, इमाद, शाहीन, नसीम और उनके, क्योंकि अगर आप अर्शदीप को देखें ना, अर्शदीप को आज भी दो ओवरों में मार पड़ गई है। उसने पहले दो ओवर अच्छे किए हैं लेकिन बाकी दो में उसे मार पड़ गई है। सो इट कैन गो ईदर वे डिपेंडिंग ऑन द टॉस व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। और खैर जो बेस्ट पार्टनरशिप थी वो रोहित शर्मा और ऋषभ पंत की थी 54 की 44 बॉल्स के ऊपर, जिसने इंडिया को ये मैच 8 विकेटों से जिता दिया। सो बेस्ट ऑफ लक, गुड विन फॉर इंडिया, खाता खुल गया। अपना कल पता लगेगा भाई, अपना कल है मैच अगेंस्ट US। लेट्स सी, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ टीम्स। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।